हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है निर्दोष और मेरी चैनल टेक ज्ञान पर आप सबका स्वागत है। सो आज के इस वीडियो में अगेन हम बात करने वाले हैं बहुत सारे इंटरेस्टिंग टेक न्यूज़ के बारे में। हालांकि टेक न्यूज़ में आपको बताना शुरू करूँ उससे पहले जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए और आप उस वीडियो को देख पाओ। हालांकि यस्टरडे मैं वीडियो नहीं बना पाया था, मैं थोड़ा काम से भी बाहर था और मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं थी। सो इसके लिए कल की और आज की कुछ जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, जो न्यूज़ निकल के आई उसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। हालांकि मेरी ये मेहनत, ये रिसर्च, ये अपडेट्स पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंचे, रेकमेंड हो। अगर उनको पसंद आए तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। चलिए देखिए कि आज क्या न्यूज़ निकल के आई है। सो अब जो हम पहली न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है व्हाट्सएप के बारे में है। थोड़ा मैं स्पीड में ट्राई करूँगा क्योंकि बहुत सारी अपडेट्स है, तो ट्राई करूँगा कि वीडियो में शॉर्ट रख पाऊँ। सो पहली न्यूज़ जो है वो है व्हाट्सएप के बारे में। अब एंड्रॉइड यूज़र्स के बाद जो है iOS यूज़र्स के अंदर भी जो है यस्टरडे मेरे अंदर भी अपडेट आ चुका है, मैंने ऑलरेडी अपडेट कर दिया है। और साथ ही में वो अपडेट है वॉइस नोट का, यानी कि अब अपने स्टेटस में भी जो है वॉइस नोट्स लगा पाओगे। सो जो ये काफ़ी अच्छी बात है। उसका एक फ़ोटो जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ कि किस तरह से स्टेप बाय स्टेप जो है आप उस iOS यूज़र हो अगर आप, तो वॉइस नोट को आप कैसे क्रिएट कर पाओगे, किस तरह से जो है आप उसे यूज़ कर पाओगे। अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओला के इलेक्ट्रिक स्कूटर के बारे में, वो है S1 Pro के बारे में है। जो हालांकि ओला के सस्पेंशन के जो रिगार्डिंग जो इश्यूज़ आजकल चल रहे हैं इंटरनेट पे, न्यूज़ पे जो फोटोज़ आ रही है कि कभी बम्प जो होता है बम्पर उसके ऊपर ले जाने के वक्त जो है आगे से टूट जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, टायर निकल जाता है, तो काफ़ी सारे ऐसे इश्यू के वजह से जो है ओला ने वो सारे S1 और S1 Pro मॉडल्स को जो है जिन लोगों ने पास्ट में लिए हुए हैं उन लोगों को फ्री में अपग्रेड करने का जो है वो मौका दिया हुआ है। हालांकि ये इश्यू क्यों होता है, क्या उन लोगों ने सही से टेस्टिंग नहीं की होती है, क्योंकि फिर बाहर आने के बाद ऐसा क्यों हो जाता है, काफ़ी सारे इश्यूज़ रहते हैं। हालांकि अगर आप भी कोई इलेक्ट्रिक स्कूटर लो तो काफ़ी ध्यान से और समझ के लेना, ना कि सिर्फ आप प्राइस परस्पेक्टिव देखो, कुछ फीचर्स अच्छे लगे वो देख लो, उसकी सारी चीज़ें जो है आप पहले रिसर्च कीजिए और उसके बाद ही जो है कोई भी व्हीकल लिए, जैसे कि आप अपना मोबाइल लेते हो वैसे ही। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो के बारे में। सो ओप्पो का जो है एनको फ्री 3 जो TWS है जिसका पोस्टर निकल के आया सामने, वो मैं आपको उसमें पे दिखा रहा हूँ। 21 मार्च को जो है ये चाइना में लॉन्च होने जा रहे हैं। देखते हैं कि कौन से प्राइस और कौन से स्पेक्स के साथ जो है हमें लॉन्च होता है वो देखने को मिलता है फाइंड एक्स 6 सीरीज़ के साथ। तो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है ओप्पो के पैड 2 के ऑफिशियल लुक के बारे में है। जो फोटो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर ये फोटो देखो उसके बाद अगर आपको कुछ रिकॉल आता है, कुछ याद आता है, तो टेक न्यूज़ के अंदर जो है मैंने वन प्लस पैड का भी एक बार एक आपसे रेंडर शेयर किया था, हूबहू वैसा ही हमें देखने को मिलता है। मे बी हो सकता है शायद इन दोनों में थोड़ा बहुत स्पेक्स का चेंजेस हो, बट ये ओप्पो पैड 2 जो है ये हमें 21 मार्च को ही जो है लॉन्च होता देखने को मिलने वाला है। कि इसका ऑफिशियल डेट वाला पोस्टर निकल के नहीं आए, बट मान के चलिए ये चाइना में हमें 21 मार्च को ही जो है लॉन्च होता देखने को मिलने वाला है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईफोन के बारे में। सो आईफोन के जो प्रो मॉडल से इस बार कहा जा रहा है कि उसकी प्राइस हाइक हमें देखने को मिल सकती है, यानी कि कुछ ना कुछ जो है अंदर इस तरह से कुछ कंपोनेंट्स यूज़ किए होंगे जिस वजह से जो है हमें उसकी प्राइस ज़्यादा देखने को मिल सकती है। देखते हैं कि कितना अपग्रेडेशन किया गया हुआ है 14 Pro, 15 Pro के अंदर, ठीक है। सो अब देखते हैं कि किस हिसाब से हमें प्राइस हाइक देखने को मिलता है इस साल हमें आईफोन्स का। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोटोरोला के स्मार्टफोन के बारे में, और मैं बताऊँ मोटोरोला रेज़र प्लस 2023 के बारे में। जो मोटो रेज़र हम कहते थे जो फोल्डेबल फ्लिप उसका जो स्मार्टफोन आता था वो, उसे कहा जा रहा है कि पहले तो मोटो रेज़र प्लस कहा जाएगा 2023। साथ ही में उसके रिगार्डिंग ये एक अपग्रेड निकल के आ रही है कि अपडेट निकल के आ रही है, अपग्रेड कहाँ कहा जा रहा है कि इसका जो अंडर डिस्प्ले कैमरा जो अंदर वाली जो डिस्प्ले होगी मेन डिस्प्ले उसके अंदर में अंडर डिस्प्ले जो कैमरा है वो हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। कुछ कंफर्म नहीं है अभी तक। देखते हैं कि उसके कुछ डिस्प्ले के कुछ रेंडर्स निकल के आते हैं तब हमें क्या देखने को मिलता है, कुछ कटआउट देखने को मिलता है या फिर हमें अंडर डिस्प्ले कैमरा मोटोरोला की तरफ से देखने को मिलता है। अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है नथिंग की सब ब्रांड के बारे में है, जिसके TWS में देखने को मिलने वाले आने वाले टाइम के अंदर जो ब्लूटूथ SIE सर्टिफिकेशन के ऊपर देखे गए हैं। ये अपडेट हमें मिल पाई है Y91 मोबाइल, जिनका फोटो जो है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। पार्टिकल्स बाय XO, अभी मैं इस ब्रांड को जो है सही से प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ या नहीं वो आई डोंट नो, बट जिस हिसाब से मुझे समझ में आ रहा है पार्टिकल्स बाय XO नाम से जो है हमें नथिंग की एक सब ब्रांड देखने को मिल सकती है आने वाले टाइम के अंदर, जिसका रेंडर जो है TWS का वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे और वो ब्लूटूथ ऐसे सर्टिफिकेशन जो है वो भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब देखते हैं कि ये कब तक और कौन सी प्राइस पे और कौन से स्पेक्स के साथ हमें आने वाले टाइम के अंदर लॉन्च होते हुए देखने को मिलते हैं। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है TikTok के बारे में। सो अब US में तो जो है पूरी कंट्री में बैन करने की बात चल रही है TikTok की, बट
अब जो है यूके गवर्नमेंट ने ये अनाउंस कर दिया है कि जो पार्लियामेंट्स के मेंबर है, जो पॉलिटिक्स के अंदर इन्वॉल्व है, उन सारे लोगों के स्मार्टफोन के अंदर जो है टिकटॉक अब नहीं चलेगा, उनके अंदर टिकटॉक बैन किया जाएगा। और वैसे ही सेम जो है अब न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने भी अनाउंस किया है कि जो पार्लियामेंट के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर जो है अब टिकटॉक बैन हो जाएगा, वहाँ उन वो लोग अब जो है टिकटॉक नहीं यूज़ कर पाएंगे। हालांकि आपका क्या सोचना है टिकटॉक के बारे में आप मुझे बताना। और हालांकि ये जो सारी चीज़ें हो रही है बैन के बारे में, अब सारी कंट्री जो है डेटा कंसर्न को लेकर, डेटा सिक्योरिटी को लेकर जो है ये बातें कर रही थी। जब इंडिया ने बैन किया था तब किसी ने कुछ ऐसा सोचा कि भाई क्यों बैन कर रही है, बट सही में डेटा सिक्योरिटी की वजह से जो है टिकटॉक बैन हुआ था। हालांकि आपका क्या सोचना है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो टैक्स रिलेटेड नहीं है, बट ये एक बहुत काम की न्यूज़ है कि गवर्नमेंट की तरफ से जो अब ये डिसीजन लिया गया हुआ है कि अगर आपके आधार कार्ड में अगर कुछ आप अपडेट करना चाहते हो, जिसके कुछ पैसे लगते थे, वो पैसे नहीं लगने वाले फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स तक। हालांकि लास्ट डेट जो कौन सी है वो मुझे पता नहीं है, बट आप 3 महीने तक जो है, 3 महीने के अंदर मैं कहता हूँ, अगर आपके आधार कार्ड में कुछ अगर आप कुछ अपडेट करना चाहते हो तो फ्री में हो जाएगा। अगर आपने नहीं किया अभी तक कुछ अपडेट तो प्लीज़ करवा लीजिए। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है स्नैपड्रैगन के बारे में। और आज जो स्नैपड्रैगन की तरफ से नई SoC लॉन्च होने वाली थी, जो लॉन्च हो चुकी है स्नैपड्रैगन 7 Plus Gen 2 के नाम से। हालांकि उसके स्पेक्स आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, आप पॉज करके पढ़ लेना। स्पेक्स यानी कि इसमें कितने मेगापिक्सल तक का जो है आपको कैमरा सपोर्ट मिलने वाला है, 200 मेगापिक्सल तक का जो है अप टू आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिलने वाला है। बात करते हैं इसकी दूसरी रिलेटेड अपडेट के बारे में, तो वो ये है कि इस SoC के साथ जो है 2 स्मार्टफोन अब अनाउंस हो चुके हैं जो लॉन्च होने वाला है, जिसमें सबसे पहला स्मार्टफोन अनाउंस होने वाला है वो है नोट 12 के नाम से, नोट 12 टर्बो के नाम से, जिसका पोस्टर आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। और साथ ही में यानी कि जो रेडमी का नोट 12 टर्बो आने वाला है वो, और दूसरा मैंने आपको बोला था कि रियलमी GT नियो 5SE जो है वो भी हमें इसी SoC के साथ लॉन्च होता हुआ देखने को मिलने वाला है, जिसका ऑफिशियल पोस्टर भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। अब देखते हैं कि इनकी लॉन्च डेट जो है कब की निकल के आती है। हालांकि ये SoC जो है वो काफ़ी अच्छा है, परफॉर्मेंस वाइज भी जो है ये काफ़ी अच्छा होने वाला है। सो अब देखते हैं कि इसके ऊपर रन करने वाले स्मार्टफोन जो है वो हमें कौन सी प्राइस पर लॉन्च होते हुए देखने को मिलते हैं। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है आईफोन के रिगार्डिंग है, कि आईफोन एक रिकॉर्ड जो है वो ब्रेक कर सकता है। और वो रिकॉर्ड क्या है उसके बारे में बताने के लिए मुझे आपको iCineers का जो ट्वीट है वो आपको स्क्रीन पर दिखाना पड़ेगा। आप देख सकते हो कि उसमें लिखा हुआ है कि आईफोन प्रो मैक्स विल ब्रेक द रिकॉर्ड ऑफ 1.81 mm बेजल ब्लैक एज हेल्ड बाई Xiaomi 13, यानी कि Xiaomi 13 के अंदर जो सबसे पतली बेजल्स 1.81 mm का जो रिकॉर्ड है अब वो टूटने वाला है, क्योंकि आईफोन प्रो मैक्स के अंदर जो है मैं शायद इससे भी कम बेजल्स जो है 1.81 mm से भी कम बेजल्स जो है वो देखने को मिल सकती है। अब देखते हैं कि जब इसके ओरिजिनल रेंडर्स निकल के आते हैं आईफोन 15 प्रो में तो उसका डिस्प्ले में कैसा देखने को मिलता है एकदम पतली बेजल्स के साथ। अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो है आईकू के Z7 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो आज इंडिया में लॉन्च हो चुका है, जिसके प्राइस स्पेक्स जो है वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। स्पेक्स के बारे में पहले भी बात कर चुके हैं, सो स्क्रीन पे आप पढ़ लेना, मैं डिस्प्ले कर दूंगा स्क्रीन पे आपके लिए। बात करते हैं इसकी प्राइस के बारे में, तो 2 वेरिएंट हमें इसमें देखने को मिलने वाला है, 6GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस 18,999 होने वाली है। और दूसरा जो वेरिएंट है वो है 8GB RAM प्लस 128GB स्टोरेज, जिसकी प्राइस 19,999 होने वाली है। 1500 तक का जो है आपको बैंक डिस्काउंट ऑफर जो है इसमें देखने को मिलने वाला है, जिसका सेल 21 मार्च से जो है वो शुरू होने वाला है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो, हालांकि ये फ़ोन काफ़ी अच्छा है, जिसमें सिर्फ कैमरा स्पेसिफिकेशन है वो मुझे पसंद नहीं आया है, जो दूसरा जो कैमरा दिया गया हुआ है काइंड ऑफ मुझे यूजलेस लगता है। हालांकि आपका क्या सोचना है, अदरवाइज़ फ़ोन ओवरऑल अच्छा है, अदरवाइज आपका क्या सोचना है इस फोन के बारे में मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है एयरटेल के बारे में, और ये ज़बरदस्त न्यूज़ है अगर आपके पास एयरटेल का सिम कार्ड है तो। सो एयरटेल ने जो अब अनाउंस कर दिया है आज अनलिमिटेड 5G डेटा के लिए, और वो जो 239 या उससे ऊपर का जो लोग रिचार्ज करवाते हैं अब वो अपना अनलिमिटेड 5G डेटा जो है वो क्लेम कर सकते हैं। सो आप अपने एप्लीकेशन में जाइए, ठीक है, आप भी जो है अगर 239 या उससे ऊपर का रिचार्ज करवाते हो तो आप उस डेटा के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाएंगे। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में। सो टर्किश न्यूज़ वेबसाइट के ऊपर जो है अब कहा गया है सैमसंग की तरफ से कि अब जो है A14 के बाद जो है अब एक नया इसीज का स्मार्टफोन आने वाले टाइम के अंदर में बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है, और वो है A24। हालांकि इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन डिटेल्स को कुछ निकल के नहीं आई, बट कहा जा रहा है कि हमें ऑलमोस्ट A54 जैसा डिज़ाइन जो है वो देखने को मिलने वाला है।
अब देखते हैं कि A34 की तरह में वाटर ड्रॉप नॉच या फिर A54 की तरह में कटआउट देखने को मिलता है वो तो पता नहीं है। देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें और क्या अपडेट्स देखने को मिलती है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो थोड़ा सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर है और ये अपडेट हमें मिल पाया गैजेट्स डेटा के थ्रू। हालांकि जो न्यूज़ है वो मैं आपको स्क्रीन पर डिस्प्ले कर रहा हूँ। कहा जा रहा है कि गूगल की जो प्रोजेक्ट जीरो सिक्योरिटी टीम जो है उन्होंने कुछ फाइंड आउट किया है। कहा जा रहा है कि एक्जिनोस का जो मॉडेम है उसकी वजह से जो है 18 एक्टिविटीज यानी कि कुछ कमी जो है वो पाई गई है 12 फोन्स के अंदर, जिसके अंदर गैलेक्सी M33, A53, A33, A21, A13, A12, M12, M13, A04 सीरीज, साथ ही में पिक्सेल के भी कुछ 3 फ़ोन है, पिक्सेल 6s, 6 और 6 प्रो। इन फोन्स के अंदर जो है कहा जा रहा है कि हैकर जो है वो आपका फ़ोन जो है वो एक्सेस कर पाएंगे। हालांकि ये इश्यू जो है वो फिक्स हो सकता है सिक्योरिटी पैच के थ्रू। अब देखते हैं कि इन फोन्स के अंदर हमें नया सिक्योरिटी पैच कब तक देखने को मिलता है, क्योंकि गूगल ने ये फाइंड आउट कर लिया तो बहुत जल्दी जो है हमें इसका सिक्योरिटी पैच जो है वो देखने को मिल सकता है। तो अगर आपके पास ये फ़ोन्स है इन लिस्ट में से तो आप ध्यान रखें, जब भी कोई सिक्योरिटी पैच आता है तो आप चेक करते रहिए, उसे तुरंत अपडेट कर दीजिए। तो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले वो सैमसंग के स्मार्टफोन के बारे में, और मैं बात करूँ सैमसंग F14 के बारे में, जिसके रेंडर में आपको बैक डिज़ाइन के पहले मैं दिखा चुका हूँ न्यूज़ के अंदर। अब इसका ऑफिशियल पोस्टर आ चुका है कि मार्च 24 को जो है ये स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च होने जा रहा है, जिसके अंदर हमें 6.5 इंच का फुल HD+ LCD डिस्प्ले, Exynos 1330 के ऊपर रन करने वाला है, 6000 mAh की बैटरी, 25W फास्ट चार्जिंग, साथ ही में एंड्रॉइड अपडेट्स हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाली है 2+4 ईयर्स तक की, साथ ही में साइड फिंगरप्रिंट स्कैनर और 13 5G बैंड्स का सपोर्ट जो है वो हमें इसके अंदर देखने को मिलने वाला है। प्राइस की बात करें तो 15,000 तक की प्राइस के अंदर या फिर उस बैंड के अंदर जो हमें देखने को मिल सकता है। देखते हैं कि लॉन्च के वक्त हमें इसकी प्राइस क्या देखने को मिलती है। सो अब जिस न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है एप्पल की जो मैन्युफैक्चरिंग करती है फॉक्सन, उसके बारे में है। सो फॉक्सन जो है बहुत जल्दी एक नया प्लांट डालने जा रहा है तेलंगाना में या उसके आसपास कहीं, और वहाँ पे जो है हमें इंडियन मैन्युफैक्चरिंग जो है एप्पल के एयरपोर्ट्स देखने को मिल सकते हैं बहुत ही जल्दी। अब देखते हैं कि इंडिया के अंदर ये दूसरा प्रोडक्ट होगा आईफोन्स के बाद जो मैन्युफैक्चर होने वाला है इंडिया के अंदर। अब देखते हैं कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर होने के बाद क्या हमें इंडिया के अंदर स्पेशली उसकी प्राइस में जो है कुछ कट ऑफ या कुछ डिस्काउंट देखने को मिलता है कि नहीं। देखते हैं कि आगे इसके बारे में भी हमें क्या अपडेट्स मिल पाती है। सो अब जो हम आखिरी न्यूज़ के बारे में बात करने वाले हैं वो है एप्पल के आईफोन प्रो 15 प्रो मैक्स के बारे में है। अब कहा जा रहा है कि इसके अंदर हमें जो है टेलीफोटो लेंस अलग से यानी कि देखने को मिल सकता है, यानी कि पेरिस्कोप टेलीफोटो लेंस जो आता है वो हमें देखने को मिल सकता है इसके अंदर। और मे बी ये भी शायद एक रीज़न हो सकता है अगर ये बात सही है तो, कि हमें आईफोन कॉस्टली देखने को मिल सकते हैं प्रो मॉडल स्पेशली। और अगर ये यूज़ करने वाले हैं तो क्या हमें इस बार क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलने वाला है, या फिर ट्रिपल या कैमरा सेटअप के अंदर ही जो हमें किसी और एक लेंस निकाल के हमें टेलीफोटो लेंस हमें इसमें देखने को मिलने वाला है। अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या न्यूज़ निकल के आती है। क्या अभी तक कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि पेरिस जो टेलीफोटो लेंस है वो हमें देखने को मिलेगा ही कि नहीं, बट ऐसा रूमर्स आ रहे हैं कुछ ट्विटर्स की तरफ से। अब देखते हैं कि आगे इसके बारे में हमें क्या अपडेट्स मिल पाती है। सो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिए ताकि और लोगों तक ये वीडियो रिकमेंड हो, अगर उनको पसंद हो तो वो भी हमारी फैमिली का हिस्सा बन पाए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। हालांकि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ आप तक सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन पहुँच जाए, आप उस वीडियो को देख पाओ। साथ ही में कुछ क्वेरी हो, किसी प्रोडक्ट को लेकर कुछ पूछना चाहते हो तो इंस्टाग्राम फेसबुक ट्विटर पे जाके टैगगेन सर्च कीजिए, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करके DM करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हो। मैं जितना जानता हूँ उतना को गाइड करने की जरूर कोशिश करूँगा। साथ ही मैं यूट्यूब वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में भी कॉमेंट करके आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हो या फिर कोई सजेशन हो तो वो भी आप दे सकते हो। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।